आज हम जिस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे वो है वेक्टर एडिशन बट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने पिछले लेक्चर में देखा कि क्या होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो उनके ज़रिए आप वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले एज ऑलवेज हम अपने एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं लेबल करती हूँ ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये ओरिजिन जहाँ दोनों एक्सिस कंबाइन करते हैं, और ये है मेरे पास कोई सा भी वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं नाम देती हूँ, ये है वेक्टर ए। ठीक है, कोई सा भी वेक्टर ए। और एक और वेक्टर है ओरिजिन से स्टार्ट किया मैंने, इसको मैं कहती हूँ ये वेक्टर बी है। इस वेक्टर बी को बाय हेड टू टेल रूल अगर हमने ऐड करना हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे। बी की टेल ए के हेड से कंबाइन करती है, ठीक है, इसलिए हमने बी को ए के ऊपर रखा है। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए और बी का रिजल्टेंट आर वेक्टर जो ए की टेल से स्टार्ट हो और बी के हेड को ज्वाइन करे। ये हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आर आता है जिसको मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, ये आर इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, वेक्टर ए जो रेड में है और वेक्टर बी जो पर्पल में है। बाय हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों वेक्टर्स की मैंने कंपोनेंट्स ड्रॉ करनी है। कंपोनेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि वेक्टर ए जहाँ पर ख़त्म होता है, वेक्टर ए के एरो से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को लाइन एम पे टच कर रहा है, और मेरे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए ए एक्स और ए वाई। इसी तरह वेक्टर बी के कंपोनेंट्स दो, वेक्टर बी जो एक्स एक्सिस को पॉइंट एन पे टच करेगा, और ये मैंने इसका इसके दोनों कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, ये बी वाई है बी एक्स है सॉरी, और ये बी वाई है, इसको हम पॉइंट पी के लेते हैं, ओ पी वेक्टर जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो ग्रीन से मैं आप बता रही हूँ ये क्या किसका कंपोनेंट है, वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट है। और इसी तरह ओरिजिन से लेकर ओ से लेकर एन तक मेरे पास आर एक्स है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ सब तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट हमारे पास है एस, और इसको मैंने पी कह दिया, और ये ए वाई क्योंकि ये एन टी के इक्वल है लाइन, और इसी तरह ये बी एक्स है, इसको वन पॉइंट को एल कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो डायग्राम बनी है इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं कह सकती हूँ कि ओ एम लाइन सेगमेंट जो है ये इक्वल है ओ एम प्लस एम एन के, ओरिजिन से लेकर एन तक ये पूरा लाइन सेगमेंट है, और जब हम इसको देखते हैं तो ये ओ एम प्लस एम एन के इक्वल है, पर एम एन जो है
वो इक्वल है टी एल के, सो ओ एम प्लस टी एल भी ओ एन के इक्वल हो गया, ठीक है। और अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको आप डायग्राम से देखें तो ओ एन जो है वो आर एक्स के इक्वल है और ओ एम जो है वो ए एक्स के इक्वल है और टी एल जो है वो बी एक्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है, यानी आर एक्स जो है, जो वेक्टर आर एक्स है, जो आर एक्स आई हैट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई हैट के। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इक्वल है सम ऑफ रिजल्टेंट, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह हम वर्टिकल लाइंस की तरफ आते हैं तो हमारे पास फिगर सेज कि एस एन इक्वल है एस एल प्लस एल एन के, ठीक है, एस एल प्लस एल एन के इक्वल है एस एन। और इसी तरह जैसे हमने पहले किया था एल एन और टी एम एक दूसरे के इक्वल हैं, सो एल एन को मैं टी एम से रिप्लेस कर दूं तो एस एन इक्वल हो जाता है एस एल प्लस टी एम के। और अब हम अगर फिगर देखें तो एस एन जो है वो आर वाई के इक्वल है, एस एल जो है वो बी वाई के इक्वल है और टी एम जो है वो ए वाई के इक्वल है। अगेन आर वाई वेक्टर में लिखें तो आर वाई जे हैट के इक्वल होता है, और जैसे हमने पहले लिखा था कि आर वाई वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स ए वाई प्लस बी वाई। अब हम जानते हैं कि आर एक्स और आर वाई ये दोनों वेक्टर आर के कंपोनेंट्स हैं, यानी अगर वेक्टर आर को आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो वेक्टर आर इक्वल्स आर एक्स मैग्नीट्यूड आई है प्लस आर वाई जे है, ठीक है। और आर एक्स हमने अभी फाइंड किया कि इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स आई हैट प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे हैट की। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वेक्टर के जब कंपोनेंट्स गिवन हो, ये आर एक्स है ये आर वाई है, तो उनसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आप क्या करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर विच इज ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास तरीका है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का थ्रू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। ये तो बात थी मैग्नीट्यूड की। अब अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे आती है हमारे पास, हमें पता है टैन थीटा इक्वल्स आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है, विच मीन्स कि थीटा इज टैन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। और आर वाई की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स हमारे पास है ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट इंडिविजुअल वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल है और रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के इक्वल के सम के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से थीटा जो है हमारे पास डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर की, वेक्टर आर की। ये तो था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, हम इसी को यूज़ करके जनरलाइज कर सकते हैं हमारी स्टेटमेंट अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमारे पास था जब हमारे पास रिजल्टेंट आर इक्वल है ए प्लस बी के, यहाँ ये मिस्टेक मैंने गलती से ओ एन लिखा है, ये इनफैक्ट एम एन है, ओ एम प्लस एम एन इक्वल्स ओ एन, ठीक है। एनीवेज अब अगर हम इसी फैक्ट को जनरलाइज करें, इन केस हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी
आपको सुनो, जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं, फॉर नंबर ऑफ वेक्टर्स, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स, या जितने भी वेक्टर्स हों हमारे पास आर, उन सब का रिजल्टेंट है. तो उस केस में वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड होगा? जैसा कि हमने पहले किया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस जितने भी एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स हैं स्क्वायर, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इन सब का स्क्वायर, और ये सब हमारे पास स्क्वायर रूट. और डायरेक्शन के लिए हमने क्या करना है? डायरेक्शन है हमारे पास थीटा इक्वल्स टैन इनवर्स अगेन आर वाई, विच इज ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स. थीटा जो है हमें रिजल्टेंट का एंगल देगा, वो एंगल जो वेक्टर आर ओरिजिन के साथ बनाता है, ये वाला, वो हमारे पास थीटा के थ्रू आएगा. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यानी कि इसको अगर हम समराइज करें तो हमारे पास इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स होने चाहिए, उनको ऐड करके उनका स्क्वायर लेके और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. और डायरेक्शन आप हमेशा उसकी कैसे निकालेंगे? टैन इनवर्स आर वाई और आर एक्स. आर वाई जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है, जो इंडिविजुअल वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल है, और आर एक्स जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल है. अब जो आखिर में चीज़ रहती है वो सिर्फ इतनी सी है कि थीटा जो आपको वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है उसका साइन आप कैसे डिटरमिन करेंगे. आपने पहले पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जिसको हम, जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये असल में ये पॉजिटिव एक्स होता है आपके पास, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है. थीटा जो आर वाई ओवर आर एक्स के इक्वल है, ये आपको आपको ये भी पता है कि यहाँ से ओरिजिन से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट करती हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 0 to 90 है, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक क्या है? 90 to 180. यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट में ये हमारे पास 270, 90 से 270, और ये है 270 से 360. ए कम्प्लीट रोटेशन इज फ्रॉम 0 to 360, ठीक है. अब आपने अगर डिटरमिन करना है कि थीटा आपके पास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो वो डिपेंड करता है कंपोनेंट्स के साइन पर. अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, आर एक्स इज पॉजिटिव आर वाई इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो रिजल्टेंट है थीटा वो पॉजिटिव होगा और हमारा वेक्टर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है. इसका मतलब है अगर हमारे पास आर वाई पॉजिटिव हो और आर एक्स नेगेटिव हो, आर वाई पॉजिटिव हो और आर एक्स नेगेटिव हो, तो हमारा थीटा नेगेटिव होगा और हमारा वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. इसी तरह यहाँ पर आए थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारे पास आर एक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव है और आर वाई भी नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में उस टाइम वेक्टर आर लाई करेगा अगर आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो, तो हमारा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और अगर हमारे पास आर वाई नेगेटिव है और आर एक्स पॉजिटिव होगा, तो वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थीटा नेगेटिव होगा. तो ये डिस्कशन जो है यहाँ पर ये ख़त्म होती है जब आपके पास थीटा का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन है. डायरेक्शन का मतलब उसका साइन आपको पता हो. अगर आपके पास थीटा का साइन पता होगा और आपको ये पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं उसे आर, क्योंकि आपको वेक्टर की का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चाहिए.